पहले पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद पीएम विद अदानी जी? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ज्वाइन यू लेटर ऑन अ विजिट? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ट्रैवल टू अ कंट्री इमीडिएटली आफ्टर यू डिड? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Business delegation. Business delegation. In violation of rules. Sir, ye swikar nahi hona chahiye. रूल्स डिफरेंट किया है सर, नो एलिगेशन ऑफ डिफेमेटरी और इनक्रिमिनेटरी नेचर शैल बी मेड अनलेस यू हैव गिवन नोटिस। छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। सर, ये रिकॉर्ड पर नहीं जाना चाहिए सर, ये बिल्कुल रूल का उल्लंघन है। और क्या क्या बातें वो कह रहे हैं सर, मैं उसको रिपीट नहीं करना। रेकलेस एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन, इन वायलेशन ऑफ रूल्स। सर, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। राहुल जी, अभी आप सीनियर एमपी हो गए हैं, आप एक सीनियर एमपी हो चुके हैं। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते जो भी बातें आप करेंगे गंभीरता से आप बात करेंगे। बाहर आप जो भी भाषण देते हैं हम लोग उसको रोक नहीं सकते। इस सदन के अंदर में जो भी बात कही जाती है पूरा गंभीरता के साथ प्रमाण के साथ कह जाना चाहिए, ये परंपरा है। आज इस सदन में एक सज्जन जिनको अमेठी ने मैजिक दिखाया और विधानसभा के चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई, ऐसे सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। लेकिन मैं अमेठी की ओर से आज इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहती हूं कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दृष्टि से नई तकनीक का संचार हो तो 5,000 करोड़ की लागत की असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री अमेठी तब आई जब सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का था।